हेलो वानवर, प्लीज 10 मिनट के लिए मिल लो मुझसे। मेरी हालत को समझो यार, तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए, रहम कर दो मुझ पर। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं वेट करूंगा। जो बात करनी है जल्दी कर लो वरना मम्मी आ जाएंगी। क्या हुआ मानूर, सब खैर है ना? है आन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो मेरे घर वाले जबरदस्ती कासिम से मेरा रिश्ता कर रहे हैं और मैं उनसे लड़ नहीं सकती। कासिम से? और वो राजी है? वो राजी हो या ना हो, मेरा रिश्ता तय हो गया और उसके बाद मंगनी हो जाएगी और फिर 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कोई हल नजर ही नहीं आ रहा। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं सच बता रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। हैहान प्लीज, खुदा के लिए ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत करो। तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। मैं कैसे मनाऊं अपने घर वालों को, मैं फंस चुकी हूं बुरी तरह। ये जुल्म मत करो मुझ पर। और तुमने ये बताने के लिए मुझे यहां बुलाया है, ये बताने के लिए बुलाया कि तुम किसी और की होने जा रही हो? क्या करूं, मैं कैसे मनाऊं उन लोगों को, तुम ही बता दो मुझे। मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे तुम्हें करना होगा मेरे लिए। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, नहीं जी सकता। मर जाऊंगा मैं, तुम्हें करना होगा मेरे लिए, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। ध्यान प्लीज। देखियो नीरी बड़के, देखो मैं तो बस यही कहूंगी कि लड़की की इज्जत अगर एक बार गई तो फिर सारी जिंदगी ढूंढते रहो नहीं मिलती, इसलिए जो भी कुछ करना सोच समझ के करना। मोहब्बत भी जिंदगी में एक ही बार मिलती है, मोहब्बत एक बार खो जाए तो इंसान ठीक से जीने के काबिल नहीं रहता। मगर मैं अपनी मोहब्बत नहीं खोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, और ये तुम्हारी भूल है, तुम उससे बिछड़ कर रह लो। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा अगर तुम किसी और की दुल्हन बनी। आयान प्लीज ऐसा मत बोलो, खुदकुशी हराम है। आयान ऐसी बातें करके तुम मुझे डराओ मत प्लीज। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मैं कर भी जाऊंगा। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।